वो कन्हे किसान है, वो पूरा वो राज्य राज्य पे हुए, वो मोड़ी गवर्नमेंट है ना, वो अवर एफ आर पी अवर बोले नहीं है, वो अभी देखो वो मुँह नहीं खोल रहे, वो मोड़ी गवर्नमेंट। सो वी डिमांड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट गिविंग रेमुनरेटिव प्राइस फॉर द शुगर कैन। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो तेलंगाना से आए हुए हैं। ये लोग गन्ने में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, ये लोग गन्ना किसान हैं, तमाम लोग हैं। देखिए महिलाओं की संख्या भी आपको देखने को मिल रही होगी इस तरफ। इन लोगों ने देखिए अखिल भारतीय किसान सभा, इन्होंने पूरा यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हुए थे, ये सभी के सभी तेलंगाना से। आखिरकार किस प्रकार सरकार ये बता रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, बावजूद इसके आए दिन आपको देखने को मिलता होगा कि किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग तमिलनाडु से हैं तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लेकिन मैं जानने का प्रयास करूँगी कि आखिरकार क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? श्रवण जी। श्रवण जी कहाँ से आए हैं? वो तमिलनाडु से। तमिलनाडु से क्यों आए हैं आप यहाँ पर? वो कन्हे के फार्मर है। हाँ। वो कन्हे किसान है, वो पूरा वो राज्य राज्य पे हुए, वो मोरी गवर्नमेंट है ना, वो अवर एफ आर पी अवर बोले नहीं है। वो ये क्विंटल में वो कन्हे है ना, वो 5,000 मांग रहा है, वो अभी देखो वो मुँह नहीं खोल रहा है, वो मोरी गवर्नमेंट। इसलिए हम लोग पूरा वो किट्ठा करके इधर आके वो धरना कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग तमिलनाडु से आए हैं? तमिलनाडु दस राज्यों से। अच्छा। वो तमिलनाडु, तेलंगाना और हरियाणा, आंध्र प्रदेश। हाँ। और बिहार और महाराष्ट्र। हाँ। और ऐसा वो दस राज्य। कितने लोग आए थे आज? वो हजार के ऊपर आया था। अच्छा, कब से? सुबह से ही बैठे हुए थे। सुबह से अभी हो गया। ये लोग आए हुए हैं, आखिरकार किस प्रकार से गन्ने की मतलब खेती में समस्या आ रही? खेती में हो वो खिंचा करके वो बना के वो बेच देता है, बेचने में इतना नुकसान होता है। हाँ। वो हर साल पे बोल के बहुत धरना करके वो अभी तक वो मोदी गवर्नमेंट ना मुँह नहीं खोलता है। किस प्रकार का नुकसान होता है? नुकसान तो बहुत हो, वो खेती में वो बनाता है ना, वो करना बेचने में इतना बनाने के वो फायदा नहीं है। मतलब लागत देखिए ये लगा देते हैं, उसका जितना इन्हें फायदा होना चाहिए था उतना फायदा नहीं होता, इनका नुकसान ही हो जाता है। सरकार ने कहा था आपको फायदा मिलेगा, वो एक क्विंटल का वो 5,000 मांग रहे अपने हमने। हाँ। वो 5,000 का अभी तक मुंह नहीं खोल रहे हो, वो बोली है वो 5,000 हमने हो अधिकार में आएगा तो हम 5,000 दे देगा। अभी तक मोदी गवर्नमेंट अभी 9 साल हो गए, अभी तक नहीं हो देगा। अच्छा, आप लोगों को कहा था 5,000 दे देंगे? वो तमिलनाडु से अभी थोड़ा बहुत सही है। हाँ। वो राज्य सरकार में भी वो बात हुआ था। हाँ। वो ऐसे भी बोलता है स्टेट एडवाइजरी प्राइस। हाँ। वो भी तकलीफ हो रहा है, वो हर साल पे। अच्छा, 2014 में वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं किया था मोदी गवर्नमेंट, वो तो तकलीफ है इसलिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? आई एम रविंद्रन। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? ऑल इंडिया शुगर कैन फार्मर्स फेडरेशन टुडे हेल्ड हियर अ डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। सो वी डिमांड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट गिविंग रेमुनरेटिव प्राइस फॉर द शुगर कैन। ऑल ओवर इंडिया 5 crore शुगर कैन फार्मर्स, देन 50 lakhs शुगर फैक्ट्री वर्कर्स था। सो 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस ओनली 9.5 रिकवरी 2,750, देन नाउ 2023 दिस ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड शुगर कैन प्राइस 9.5% रिकवरी ओनली 2,820. सो लास्ट 4 years द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज ओनली 70 rupees, बट वट इज द प्रॉब्लम? द इनपुट कॉस्ट इंक्रीज टूडे
लास्ट फोर ईयर्स। देखिए ये बताने रहे हैं, मैं आपको हिंदी में हमारे जितने भी दर्शक हैं समझा दूं कि देखिए किस प्रकार से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है उन्होंने दावे किए थे किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए। अफसोसन ये है कि 9 साल से वो लोग सत्ता में हैं, बावजूद इसके इन लोगों का जितना नुकसान हो रहा है क्योंकि लागत बढ़ती जा रही है लेकिन मुनाफे के नाम पर इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। समस्या ये भी है कि एक दो नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि तकरीबन 50 लाख किसान, 50 लाख से ऊपर किसान जो है गन्ना समस्या से परेशान है और मात्र 70 रुपए की बढ़ोतरी करी है। 5 करोड़ फार्मर्स। देन लास्ट 4 इयर्स इनपुट कॉस्ट लाइक डीजल फर्टिलाइजर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज्ड मोर देन 50%। इज गवर्नमेंट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ रिकवरी? नो रिकवरी। सी द प्रॉब्लम इज द इनपुट कॉस्ट लास्ट 4 इयर्स इंक्रीज 50%, बट सुगर कैन प्राइस इंक्रीज ओनली 2.5%। व्हाट कैन वी डू? You should ask this question to the government. Yes, repeatedly we ask this question. So we demand the central government must implement Swaminathan committee recommendation C2+50 formula. What is the meaning of C2+50 formula? What is the cost of price plus 50% increase? That is the C2+50 formula. But central government not ready to implement the C250 formula. देखिए ये कह रहे हैं कि C250 formula ने भी इन्होंने सरकार को दे दिया है, बावजूद इसके government उस पर भी काम नहीं कर रही। So now the question is, what will you do? So now the question is, 5 crore sugar cane farmers, the central government must save the farmers. So implement Swaminathan committee recommendation per ton 9.5 recovery. Per ton we demand per ton rate 5,000 per and remunerative must central government announce. Do you have any kind of aggression for the government? See, professor, already we all over India in local level, state level, sugarcane farmers went to demonstration, went to picketing, that all these things. So the problem what happened in future, the sugar cane farmers change other crop. Look, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तकरीबन 5 करोड़ गन्ना किसान जो है इससे पीड़ित है, अगर अब भी सरकार नहीं सुनेगी तो ये कह रहे हैं 9 साल तो बर्दाश्त कर लिया है लेकिन आगे गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम लोग हैं, ये लोग आए हैं, इन्होंने बताया 10 राज्यों से आए हैं, तो आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को? तो सरकार तो अभी पहले के मैं वो बोला ना, अभी वो कन्या का किसान को वो संभालने का वो सेव करने के लिए। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? पहले है ना वो क्विंटल को 5,000 बोला ना, वो पहले वो चाहिए। और वो C2+ बोला ना, C2+ वो तो फायदा, वो भी वो पहले वो कानून बनाना, ये दोनों और अभी जरूर है। பிஎஸ்சி விவசாயத்தை அடிப்படையில் இப்போ மீட்டிங் போட்டாங்க, அந்த இதுக்காக வந்து நாங்கள் இதில் கலந்துக்கிட்டோம். அதோடு எங்களுடைய பிஎஸ்சியிலையும் பற்றி நாங்கள் சார்ட்டை வந்து சொல்லியிருக்கோம், எங்களுடைய குறைகளை எடுத்து சொல்லியிருக்கோம், அவங்க வந்து அந்த இதை முடிச்சு தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது. ரோதா கமிட்டியை பார்த்து எங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு தகவல் கிடச்சிருக்கு, நாங்கள் பார்த்து தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி விவசாயத்துறை அமைச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப மன திருப்தியாக இருக்குது, அதிலேருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கோம். இந்த பிஎஸ்சிக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தகவல் வரும் அப்படின்ற ஒரு இதில் பணம் வாங்கி தர்றோம். நாங்கள் ரோதா கமிட்டிகிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி வந்திருக்கோம். 14th, 11th लोअर कमिटी संधि के लिए एयरपोर्ट बनी रखांगे। तो देख लीजिए ये लोग तमिल से आए हैं, जो लोग हमारे तमिल दर्शक होंगे उनको इनकी भाषा समझ आ गई होगी, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं तो ये लोग कह रहे हैं ये सभी गन्ना किसान हैं। जब 2014 में सरकार आई थी तब इनसे दावा किया गया था, दावे पूरे ना होने की वजह से और नुकसान होने की वजह से ये लोग जो है जंतर मंतर पर एकत्रित हो गए। तमाम पेपर डॉक्यूमेंट भी इनके पास है कि किस प्रकार से ये लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये महिलाएं भी एकजुट
एकजुट हुई हैं और ये चाहते हैं कि गन्ना किसान को अब मुनाफा होना चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।